पास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमें डाइट से असाइनमेंट आया है क्लास थर्ड के लिए इन्वायरमेंट साइंस का। पहले हम देखेंगे कि आज का टॉपिक जो है पूनम्स डे आउट। इस लेसन में हम देखेंगे कि पूनम जो एक लड़की है, जब वो एक दिन घर के बाहर देख जाती है तो वो अपने इर्द गिर्द कौन से प्लांट्स देखती है, कौन से एनिमल्स देखती है और कौन कौन से डिफरेंट चीज़ेस ये पूनम देखती है। इंट्रोडक्शन में क्या है, यू माइट हैव सीन डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स वॉकिंग और फ्लाइंग अराउंड। जब भी हम बाहर जाते हैं, जब भी छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं जो वॉक करते हैं, एनिमल्स वॉक करते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, मुख्तलिफ बर्ड्स होते हैं। इफ यू ऑब्जर्व दीज चेंजेस यू विल फाइंड दैट वन एनिमल डिफर फ्रॉम अनदर एनिमल इन ईटिंग हैबिट्स, वॉकिंग, साउंड एक्सेट्रा। अगर हम इन्हें क्लीनली देखेंगे, इन एनिमल्स को और इन बर्ड्स को, हम जो डिफरेंस देखेंगे, बहुत सारी डिफरेंसेस देखेंगे हम। कौन कौन सी डिफरेंस, इनकी इनके ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे, एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे, बर्ड्स के बर्ड्स के जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। वॉकिंग जो इनकी होती है, एनिमल्स की डिफरेंट वॉकिंग होती है, बर्ड्स वॉक नहीं करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। और अगर हम साउंड भी देखें, एनिमल्स का भी डिफरेंट साउंड होता है और बर्ड्स का भी डिफरेंट साउंड होता है। लेट अस सी व्हाट पूनम ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग हर डे आउट। जिस दिन पूनम घर के बाहर गई, हमें इस चैप्टर में ये देखना है, इस चैप्टर में ये देखना है कि पूनम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती है अपने इर्द गिर्द। अ स्मॉल गर्ल जस्ट लाइक यू मैम पूनम हैड फीवर एंड डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर 2 डेज। शी गॉट बोर्ड एट होम सो आस्क्ड हर मदर टू लेट हर गो टू स्कूल। पूनम जो है उसे फीवर था, उसने अपनी माँ को बोला कि मैं स्कूल जाऊँगी, लेकिन उसकी माँ ने बोला कि आप ठीक नहीं है, यू आर हैविंग फीवर, इसलिए आप आज घर में ही बैठो। बट मदर डिड नॉट अलाउ हर, मदर ने इसे अलाउ नहीं किया कहाँ स्कूल जाना। मदर आस्क्ड हर टू गो आउटसाइड एंड लाई ऑन द कॉट। मदर ने इसे कहा कि आप बाहर जाओ, बाहर जो चारपाई है आप वहीं पे रेस्ट करो क्योंकि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। अंडर द ट्री, ये कॉट जो थी ये एक पेड़ के नीचे थी। शी डिड सो एंड फेल्ट एस्लीप। पूनम ने अपनी माँ की बात मानी और ये कहाँ गई, इस कॉट पे, इस चारपाई पे बैठ के एंड फेल्ट एस्लीप। इसे वहीं से नींद आ गई। सडनली ड्रॉपिंग ऑफ अ बर्ड फेल ऑन हर फेस एंड शी वोक अप एंग्री। इतने में जो है किसी बर्ड जो पेड़ पे था वहाँ से कुछ गिरा। कहाँ गिरा, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे कुछ गिरा और उसे बहुत गुस्सा आया। शी लुक्ड अप एंड फाउंड डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन द ट्री दोज़ वेयर। जब उसने ऊपर देखा कि ये जो चीज़ मुझ पे पड़ी ये कहाँ से आई, इसने पेड़ पे देखा तो इसने वहाँ से क्या देखा, ही फाउंड डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन द ट्री। इसने देखा मुख्तलिफ कस्म के एनिमल्स और बर्ड्स कहाँ, इस पेड़ पे। दोज वायर, इसने क्या क्या देखा, पिजन देखा, कबूतर देखा, क्रो, कौवा देखा इसने, मोंकी, बंदर देखा इसने, मैना, स्कैरल, स्पैरो, बटरफ्लाई। तो मैना, स्कैरल, स्पैरो एंड बटरफ्लाई, ये तमाम एनिमल्स और बर्ड्स इसने कहाँ देखी, इसने इस पेड़ पे देखी। शी फर्स्ट वाइप्ड हर चीक्स देन वेंट टू ए नियर बाई पॉन्ड टू वॉश हर फेस। ये वहाँ पे एक पॉन्ड था, एक वहाँ पे ये चली गई क्या करने के लिए, जो इसके चेहरे पे ये गिरा था तो ये धोने के लिए ये वहाँ पे चली गई। व्हेन शी रीच देयर शी अगेन सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर। जब भी इस पॉन्ड के पास पहुँची, इस छोटे से जो जो पानी था वहाँ पे, जब इसने वहाँ पे गौर से देखा तो इसने वहाँ भी डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स उस पॉन्ड के आसपास पाए। कौन थे वहाँ, बफेलो थे, बुल थे, फ्रॉग्स, गोट एंड किंगफिशर, ये तमाम एनिमल्स एंड प्लांट्स इसने वहाँ पे भी देखे। कहाँ पे, जहाँ पे ये थोड़ा पानी था। एनिमल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, लाइक इन अ वे ऑफ मूवमेंट, साउंड्स टू होम। ये जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ये डिफ़र करते हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन वे ऑफ मूवमेंट, ये चलते हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंटली। साउंड, और इनके साउंड जो होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं।
मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जो है जानवर कैसे जाते हैं, या बर्ड्स कैसे, बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं, गोट्स काउज वो वॉक करते हैं, चलते हैं, फिशेस जो है वो स्विम करते हैं, तैरते हैं, स्नेक्स इंसेक्ट्स क्रॉल, जो स्नेक्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं, फ्रॉग्स होप वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते हैं, साउंड्स तो ये डिफरेंट साउंड्स है, स्पैरो जो है उनकी क्रिपिंग साउंड होती है, लॉइन्स जो है उनकी रोरिंग साउंड होती है, काउज जो होती है उनकी माऊ साउंड आती है, क्रोज का, हॉर्सेस नीग एंड बीज बज, दीज आर डिफरेंट साउंड्स। सो इससे हमें ये पता चला कि इनकी जो साउंड्स होती हैं एनिमल्स और बर्ड्स की वो सेम नहीं होती है, और होम्स भी अगर हम देखें तो होम्स भी इनकी डिफरेंट होती हैं, काउ शेड में रहती है, स्पैरो नेस्ट में रहती है, रैबिट भौरों में रहती है, रैट जो है वो होल में रहता है, फिश जो है वो वाटर में रहती है, और लायन जो है जंगल में। तो इस पूरे लेसन से हमें ये पता चला कि डिफरेंट बर्ड्स जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, उनकी मूवमेंट भी डिफरेंट होती है, उनके साउंड्स भी डिफरेंट होते हैं, और उनके होम्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।